आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, बीए पार्ट फर्स्ट राजनीति विज्ञान यानी राजनीति विज्ञान के मूल आधार अथवा राजनीतिक सिद्धांत, जिसमें आपके टॉपिक है राजनीतिक व्यवस्था, यानी आपके पाठ्यक्रम में आप मिलान कर लें। आपके पाठ्यक्रम में यदि राजनीतिक व्यवस्था, पॉलिटिकल सिस्टम यदि आपके पाठ्यक्रम में है, तो ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें से प्रश्न भी बहुत कुछ आ जाते हैं, छोटे बड़े जितने भी प्रश्न बनते हैं, इस टॉपिक को अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इन टॉपिक्स में से बहुत सारे प्रश्न आ जाते हैं। कल अपन ने सत्ता और वैधता पढ़ा था, तो इसी प्रकार आगे के टॉपिक भी हम पढ़ते रहेंगे। और आज सबसे पहले हम पढ़ते हैं राजनीतिक व्यवस्था क्या है। सबसे पहले राजनीतिक व्यवस्था के बारे में हमें जानना है कि राज व्यवस्था जो है वो मानवीय संबंधों का एक चिरस्थायी ढांचा है। मतलब चिरस्थायी अर्थात जो स्थायी है, जिसके अंतर्गत शक्ति आती है, नियम आते हैं, सत्ता, जो शक्ति, नियम और सत्ता जिसमें महत्वपूर्ण मात्रा में अंतर्ग्रस्त होते हैं। ये रॉबर्ट टहल की एक परिभाषा है। इसका अर्थ है कि मात्र शासन का प्रकार व्यक्तियों के राजनीतिक जीवन को निर्धारित नहीं करता, शासन का प्रकार ही राजनीतिक जीवन को निर्धारित नहीं करता है, इसके निर्धारण में यानी व्यक्तियों का जो जीवन है उसको निर्धारित करने में, इसके अतिरिक्त जो राजनीतिक क्षेत्र में अन्य जो तत्व है, अन्य तत्व है, और जैसे मान लो समुदाय है, कोई संगठन है, वो भी यानी हमारे मानव जीवन को प्रभावित करते हैं। और ये जो सारे जो संगठन, समुदाय है, इनको सामूहिक रूप से हम क्या कहते हैं, राजनीतिक व्यवस्था कहते हैं। अब राजनीतिक व्यवस्था के बारे में देखेंगे। अगर प्रश्न आ जाता है कि राजनीतिक व्यवस्था की धारणा का क्या महत्व है, तो आपको लिखना है कि आधुनिक राजनीति विज्ञान के ग्रंथों में राजनीतिक तंत्र या राजनीतिक व्यवस्था शब्द का प्रयोग दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, क्योंकि राजनीतिक व्यवस्था शब्द है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। और राजनीति विज्ञान में जब अनुभववाद की स्थापना हुई, यानी अपन ने पहले पढ़ा था, यानी जैसे परंपरागत और अनुभववादी जो सिद्धांत पढ़े थे, उनमें से ये कहा जा रहा है कि जैसे अनुभववादी सिद्धांत जब से आया है, तब से राज्य और उसकी वैधानिक संस्थाओं के अध्ययन के साथ साथ, राज्य और उसकी वैधानिक संस्थाएं हैं उनका अध्ययन तो होता ही है, इसके साथ साथ कई औपचारिक संस्थाएं हैं, जैसे परिवार, जाति, वर्ग, धर्म और इस प्रकार के कोई प्रभावकारी समूह, इन सभी का अध्ययन भी आवश्यक हो गया है। जैसे राज्य की जो वैधानिक संस्थाएं हैं, राज्य के निर्माण की जो संस्थाएं हैं, उनका अध्ययन करने के साथ साथ परिवार, जाति, वर्ग, धर्म, प्रभावकारी समूह, इनका भी अध्ययन करना आवश्यक हो गया है। और राजनीति शास्त्र को यदि हम अधिक वैज्ञानिक और प्रभावशाली बनाना है, तो हमें समाज में चाहे उसका आकार, संस्कृति, शैक्षिक स्तर, राजनीतिक संस्कृति, आधुनिकरण, कितने ही व्यापक अंतर हो, अर्थात समाज में रहने वाले, चाहे समाज का या समूह का, चाहे आकार में अंतर है, संस्कृति में अंतर है, चाहे शिक्षा में अंतर है, शैक्षिक स्तर में अंतर है, चाहे उनकी संस्कृति में या आधुनिकीकरण में चाहे कितना ही अंतर है, लेकिन हमें एक व्यापक विश्लेषण सिद्धांत की आवश्यकता है। यानी कहने का अर्थ है कि हमारे राज्य में निवास करने वाले सभी प्रकार के जो समूह है, उन समूहों की आवश्यक, उन समूह का अध्ययन करना राजनीति विज्ञान का एक अपरिहार्य अंग बन गया है। तो राजनीतिक व्यवस्था की संकल्पना है इसी उद्देश्य को पूरा करती है। राजनीतिक व्यवस्था जो है वो इसी उद्देश्य को पूरा करती है कि समाज में या राज्य में निवास करने वाले, राज्य में स्थित जितने भी समूह है, उन सभी का अध्ययन किया जाए। और ये शब्द अधिक उपयुक्त है, क्योंकि इसके अंदर समस्त राजनीतिक क्रियाएं आ जाती है, चाहे उनका संबंध समाज से हो या किसी संस्था से हो या किसी स्थान पर घटित हो, सारी जो घटनाएं हैं, सारी जो संस्थाएं हैं, वो इसमें आ जाती है। तो राजनीतिक व्यवस्था, अब राजनीतिक व्यवस्था का अर्थ क्या है? राजनीतिक व्यवस्था का अर्थ है कि सुपरिभाषित अंतर क्रियाओं का वह समूह जिसकी सीमाएं निश्चित की जा सके। व्यवस्था मतलब है कि सुपरिभाषित अर्थात अच्छे से जिसको परिभाषित किया जा सकता है, और अंतर क्रियाएं जो है, और वहां पर कोई समूह है तो उन समूह की सीमाएं निश्चित करने की जा सके, वो व्यवस्था है। वो व्यवस्था यही है ना कि जैसे मान लो एक वर्ग है या एक संगठन है, तो उस संगठन की क्या सीमाएं हैं, कहां तक वो अध्ययन करेगा, कहां तक उसका विश्लेषण होगा, क्या उसकी सीमाएं रहेगी, तो वो सभी यानी जो है उनका उनका निर्धारण करना एक व्यवस्था है। और शाब्दिक परिभाषा के अनुसार व्यवस्था का अर्थ है कि जटिल संबंधित वस्तुओं का पूरा समूह, विधि संगठन, पद्धति के निश्चित सिद्धांत और वर्गीकरण का सिद्धांत। यानी व्यवस्था का अर्थ है कि एक समूह है, उस समूह का विधिगत संगठन किया जाए, फिर उनके लिए सिद्धांत निश्चित किया जाए, उन सिद्धांतों का वर्गीकरण किया जाए, उनका अध्ययन किया जाए, वो एक व्यवस्था कहलाती है। व्यवस्था में तीन गुण पाए जाते हैं। कितने हैं? तीन गुण।
व्यवस्था में एक तो गुण होता है व्यापकता, और व्यापकता का अर्थ है कि व्यवस्था के अंतर्गत हम सभी परस्पर क्रियाओं को शामिल करते हैं, यानी व्यवस्था के अंतर्गत न केवल उन अंगों को शामिल करते हैं जो विधि पर आधारित होते हैं। व्यवस्था का मतलब है कि विधि पर आधारित अर्थात राज्य की स्थापना के लिए या राज्य के लिए जो आवश्यक घटक है उनको ही शामिल नहीं करते हैं, बल्कि जैसे विधानमंडल, कार्यपालिका, ये तो उसके क्या है, आवश्यक अंग है। इसके साथ साथ हम जो है जाति, धर्म, परिवार, इन सभी को भी शामिल करके और उनका अध्ययन करते हैं। तो यानी कहने का अर्थ है कि व्यवस्था जो है, राजनीतिक व्यवस्था जो है या व्यवस्था जो है, उसका पहला गुण है व्यापकता। दूसरा है अन्योनाश्रय। अन्योनाश्रय का मतलब एक दूसरे पर आश्रित होना। व्यवस्था के अंग जो है एक दूसरे पर आश्रित है और एक का प्रभाव दूसरे पर पड़ता है, एक दूसरे के लिए पूरक है। इसके अर्थ है, इसके बाद है सीमाएं। यह राजनीतिक व्यवस्था की जो तीसरा गुण है वह है सीमाएं। सीमाओं से मतलब है कि प्रत्येक व्यवस्था किसी एक बिंदु से प्रारंभ होती है और एक निश्चित स्थान पर वो समाप्त हो जाती है। सीमाएं का अर्थ यही है कि वे जैसे इस स्थान से शुरू होकर के यहां तक समाप्त होगी, मतलब इसका अध्ययन यहां तक होता है, तो उसकी व्यवस्था की कोई ना कोई सीमा होती है। यानी जिस बिंदु से व्यवस्थाओं की परिधि समाप्त होती है, राजनीतिक व्यवस्था की परिधि वहां से प्रारंभ हो जाती है, उसे हम राजनीतिक व्यवस्था की सीमा कहते हैं। राजनीतिक व्यवस्था की सीमा का अर्थ है कि ऐसा बिंदु जहां पर अन्य व्यवस्थाओं की परिधि समाप्त हो जाती है। अन्य व्यवस्थाओं का मतलब है कि जैसे मान लो कोई एक संगठन है और उस संगठन का क्षेत्र काफी दूर में है, लेकिन जहां समाप्त हो जाती है तो वहां राज्य, तो राज्य के अंदर संगठन किस में आते हैं, राजनीति या राज्य में आते हैं। तो उन राज्यों में, यानी कहने का अर्थ है कि राजनीतिक व्यवस्था है कि परिधि कहां से प्रारंभ होती है, जहां से अन्य जो संगठन है उनकी परिधि जहां समाप्त होती है वहां से राजनीतिक व्यवस्था की परिधि शुरू होती है। डेविड ईस्टर ने राजनीतिक व्यवस्था के तीन घटक बताए। छोटे छोटे प्रश्न आ जाते हैं इनमें से कि डेविड ईस्टर के अनुसार राजनीतिक व्यवस्था के तीन घटक कौन से। तो पहला है, राजनीतिक व्यवस्था नीतियों के माध्यम से मूल्यों का आवंटन करती है। राजनीतिक व्यवस्था क्या करती है, नीतियां बनाती है और नीतियां बना करके उन नीतियों का मूल्य आवंटन करती है, अर्थात ये नीति कितने वैल्यूज की है। इसका आवंटन प्राधिकारिक होता है। प्राधिकारिक अर्थ उसमें नियमबद्ध होता है। आधिकारिक आवंटन समाज पर बाह्य रूप से लागू होता है। जो समाज है, यानी जैसे राजनीतिक व्यवस्था के द्वारा जो घटक या जो अधिकार प्राधिकार जो लागू किए जाते हैं वो बाहरी रूप से यानी समाज पर भी लागू होते हैं। अगर प्रश्न आ जाता है कि राजनीतिक व्यवस्था अथवा राजनीतिक व्यवस्था की विशेषताएं क्या है, आमंड के अनुसार क्या है, पहला अगर पूछा जाता है कि आमंड के अनुसार, आमंड पॉवेल के अनुसार राजनीतिक व्यवस्था की विशेषताएं क्या है, तो आमंड पॉवेल वो लिखते हैं पांच विशेषताएं वो बताता है। पहली बताता है राजनीतिक व्यवस्था, व्यवस्थाओं की सार्वभौमिकता। राजनीतिक व्यवस्थाएं होती है वो सार्वभौमिक होती है, अर्थात जहां तक उसकी सीमाएं होती है वहां तक उसे पूर्ण अधिकार होता है। राजनीतिक व्यवस्थाओं का सांस्कृतिक दृष्टि से मिश्रित, यानी राजनीतिक व्यवस्थाएं होती है उसमें किसी एक संस्कृति का गुण नहीं होता, बहुत सारी संस्कृतियां मिश्रित होती है। तीसरी, राजनीतिक संस्थाओं की बहुकार्यता। राजनीतिक संरचनाएं जो, यूं कह सकते हैं राजनीतिक व्यवस्था जो है वो किसी एक काम को नहीं, वो अपने क्षेत्र में सारे काम करती है। राजनीतिक कार्यों की सार्वभौमिकता, और राजनीतिक व्यवस्था के कार्य भी सार्वभौमिक होते हैं, अर्थात जहां तक उनका क्षेत्र होता है उस क्षेत्र में वो सारे काम करते हैं। राजनीतिक संरचनाओं की भी सार्वभौमिकता होता है, राजनीतिक संरचना जो होती है वो भी सार्वभौमिक होती है, अर्थात संपूर्ण भूमि पर यूं कह सकते हैं। इसकी व्यवस्थाओं में इसकी विशेषताएं, जो राजनीतिक विशेषता या राजनीतिक व्यवस्था की जो विशेषताएं हैं उसमें देखिए, पहली विशेषता है राजनीतिक संरचनाओं की समानता। राजनीतिक व्यवस्थाओं में क्या होता है कि राजनीतिक संरचनाएं पाई जाती है और इन संरचनाओं की परस्पर तुलना की जा सकती है। राजनीतिक संरचना को हम ये कह सकते हैं कि जैसे मान लो एक एक स्थान से दूसरे स्थान की जो राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं उन व्यवस्थाओं की तुलना कर सकते हैं, और इन संरचनाओं में अंतर केवल विशिष्टीकरण का होता है, अर्थात कहीं पर जो नियम अलग होते हैं कहीं पर सेम नियम नहीं हो सकते मान लो। दूसरी इसकी विशेषता है कार्यों की सर्वव्यापकता। सभी राजनीतिक व्यवस्थाओं में समान कार्य किए जाते हैं और हमें संरचना की अपेक्षा कार्यों को अधिक महत्व देना चाहिए। संरचना हमें क्या है कि राजनीतिक व्यवस्था की संरचना के बारे में नहीं, उनके कार्य क्या है, वो कार्य कितने महत्वपूर्ण है उनको हमें देना चाहिए। उनके कार्य जो होते हैं सर्वव्यापक होते हैं, अर्थात जहां ये व्यवस्थाएं होती है वहां तक ये पूरे कार्य करती है। तीसरी इसकी विशेषता है राजनीतिक संरचना की विविधता। राजनीतिक संरचना में विविधताएं होती है, व्यवस्थाएं बहुत सारे काम करती है।
जिससे राजनीतिक संरचनाओं का प्रत्येक अंग केवल एक ही काम नहीं करता और अधिक कई काम करता है। जैसे हम उदाहरण के लिए कि विधायिका कानून बनाती है, कार्यपालिका उसको लागू करती है, न्यायपालिका उसकी व्याख्या करती है। विधायिका का काम है कानून बनाना, कार्यपालिका उसको लागू करवाती है, न्यायपालिका उनकी व्याख्या करती है। लेकिन वास्तविकता यह है कि तीनों विभाग एक दूसरे का काम भी करते हैं। कैसे करते हैं? विधानमंडल विधि निर्माण के साथ साथ प्रशासनिक और न्यायिक काम भी करता है। विधानमंडल निर्माण यानी कानून निर्माण तो करता ही है, उसके साथ प्रशासनिक कार्य भी करता है, न्यायिक कार्य भी करता है। नौकरशाही केवल कानूनों को लागू ही नहीं करती है, बल्कि विधि निर्माण में भी एक बहुत बड़ा स्रोत बन गई है। यानी नौकरशाही जो है वो ही कानून निर्माण में एक सहायता है। यूं कह सकते हैं कि जैसे मान लो विधायिका है, तो विधायिका में बैठने वाले जो नौकरशाही है वो कानून निर्माण का काम करते हैं, तो नौकरशाही भी उनसे अनुनासिक हो गई कि नहीं हो गई। चौथी इसकी विशेषता है राजनीतिक संरचनाओं का मिश्रित स्वरूप। राजनीतिक संरचनाओं में मिश्रित रूप होते हैं, क्योंकि कोई भी व्यवस्था है विशुद्ध नहीं होती। विशुद्ध अर्थ एक तरह की नहीं होती। समस्त राजनीतिक व्यवस्थाएं परंपरागत और आधुनिक दोनों प्रकार के विचारों से, हर एक व्यवस्था में परंपरागत विचार भी मिलते हैं, आधुनिक विचार भी मिलते हैं। पांचवी इसकी विशेषता है राजनीतिक सोपानों पर असमान स्वामित्व। यानी राजनीतिक व्यवस्था में क्या होता है कि राजनीतिक साधन जो होते हैं उनका समान वितरण नहीं होता है। राजनीतिक साधनों पर असमान स्वामित्व होता है, उनका वितरण समान नहीं होता। राजनीतिक साधन जो होते हैं उनका वितरण समान नहीं होता। राजनीतिक साधनों से हमारा अभिप्राय क्या है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के आचरणों को प्रभावित करता है। इस प्रकार राजनीतिक साधनों के अंतर्गत धन, सूचनाएं, बल प्रयोग ये सब शामिल होते हैं। तो राजनीतिक साधनों में क्या होते हैं, धन भी आता है, सूचना भी आती है, बल प्रयोग यानी बल प्रयोग के माध्यम से भी वो उनको मनवा अर्थात अपने कानूनों को मनवाना या अपने कानूनों की पालना करवाना, ये सब जो है राजनीतिक साधनों के अंतर्गत आते हैं। छठा है इसका राजनीतिक प्रभाव का प्रयत्न। राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत शासकीय नीतियों, नियमों और निर्णयों को प्रभावित करने की क्षमता का नाम ही राजनीतिक प्रभाव। राजनीतिक प्रभाव का अर्थ है कि राजनीतिक व्यवस्था में क्या होता है कि सरकार की जो नीतियां होती है, नियम होते हैं, निर्णय होते हैं, उनको पढ़ करके और वो राजनीतिक व्यवस्थाएं क्या करती है, उनको प्रभावित करती है, अर्थात उनमें अनुकूलता स्थापित करने का काम करती है। अगर उनमें कहीं कमी होती है तो वो सरकार की तरफ से या अपनी तरफ से या जनता की तरफ से वो जनता की पैरवी भी करती है कि ये कानून ठीक नहीं है। राजनीतिक प्रभाव का असमान वितरण। राजनीतिक प्रभाव का असमान वितरण देखिए, राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत राजनीतिक प्रभाव का असमान वितरण होता है। कुछ व्यक्तियों के पास राजनीतिक साधन अधिक होते हैं जिनके द्वारा वे सरकार को प्रभावित कर सकते हैं, कुछ के पास कम होता है ये। और इसके अलावा इसकी विशेषता है वैधता का अर्जन। राजनीतिक व्यवस्था क्या करते हैं, राजनीतिक व्यवस्था के जो नेता होते हैं वे अपने काम को वैध बनाने का काम करते हैं, अर्थात विधि संगत बनाने का काम करते हैं, प्रयास करते हैं। और राजनीतिक व्यवस्था के नेता ये भी परिवर्तन करते हैं कि जब भी संघर्ष से निपटने के लिए सरकारी साधनों का प्रयोग किया जाए तो उन निर्णयों का पालन जनता न केवल हिंसा, दंड आदि की भावना से करे, बल्कि इस भावना से करे कि वे नैतिक रूप से सही है और उनका पालन करना उचित है। देखिए, ये सबसे बड़ी बात है कि नेता लोग जो है या इसका नेतृत्व करने वाले जो लोग हैं वो क्या करते हैं कि सरकारी साधनों का उपयोग करने के लिए वो ये नहीं चाहते कि जैसे जनता जो है उनके द्वारा पारित जो नियम है उनका उनकी पालना हिंसा से, दंड की भावना से या डरते हुए करती है, नहीं। लेकिन वो चाहते हैं कि जनता उनके नियमों की पालना नैतिक रूप से करे और उनके मन में विश्वास हो कि हाँ, इनके द्वारा जो कानून बनाए गए हैं वो सही है। इसी को वैधता का अर्जन कहा जाता है। वैधता का अर्जन जनता की मोहर लग जाती है, यूं कह सकते हैं कि जनता जिसको एक्सेप्ट कर लेती है तो वो वैध है। नौ नंबर है विचारधारा का विकास। सिद्धांतों के समूह को विचारधारा कहा जाता है। सिद्धांतों का जो समूह है वो विचारधारा हो गई। और नेता क्या करते हैं, विचारधारा का विकास इसलिए करते हैं ताकि उसके नेतृत्व को वैधता प्राप्त हो सके। वो अपनी विचारधारा या अपना जो नियम है वो इसलिए देते हैं कि उनके नियमों को वैधता प्राप्त हो जाए, अर्थात जनता उनके नियमों से प्रभावित होकर के उनको एक्सेप्ट कर ले और वो एक कानून बन जाए, वो एक विचारधारा बन जाए। ये राजनीतिक व्यवस्था के ये विशेषताएं थी। अब राजनीतिक व्यवस्था के काम क्या क्या है देख लीजिए। राजनीतिक व्यवस्था का पहला काम है चयन और संयुक्तिकरण। चयन और संयुक्तिकरण, प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था में संघर्ष और विभेद उत्पन्न होना नितांत स्वाभाविक है। राजनीतिक व्यवस्था को समाज में उत्पन्न होने वाले संघर्षों और विभेदों को ऐसी सीमाओं में रखना होता है
जिससे ये राजनीतिक व्यवस्था के लिए घातक नहीं बन सके। यानी इन्होंने क्या कहा है, राजनीतिक व्यवस्था में क्या होता है, समाज में उत्पन्न होने वाला जो संघर्ष है, अर्थात समाज में कोई भेद विभेद उत्पन्न होता है, तो उनको क्या करना है कि जैसे उनको ऐसी सीमा में रखना है जिससे क्या है कि वो समाज के लिए या राजनीतिक व्यवस्था के लिए घातक नहीं बन सके, यानी उनके जो नियम है उनके नियमों पर कुठाराघात नहीं हो। इसके लिए वो क्या करते हैं, राजनीतिक व्यवस्था को उन मार्गों पर ध्यान देना होता है जो मांगे, उन मांगों पर ध्यान देना होता है जो मांगे राजनीतिक समुदाय द्वारा राजनीतिक व्यवस्था के सम्मुख समाधान के लिए प्रस्तुत की जाती है, समाधान के लिए प्रस्तुत की जाती है। तो राजनीतिक व्यवस्था को इन मांगों को लेकर के दो काम करने होते हैं, क्या करने होते हैं, मांगों का चयन अर्थात जनता की मांग क्या है उनका चयन करते हैं, फिर चयन की गई मांगों को संयुक्त करते हैं कि उनमें से समानांतर अर्थात समान मांगे कौन कौन सी है, उनको समान मांगों में रखते हैं कि इस प्रकार की मांगे हैं तो उनका संयुक्त करते हैं उनको। दूसरा कार्य रूपांतरण या निर्गत कार्य, रूपांतरण या निर्गत कार्य, इसके अंतर्गत राज्य व्यवस्था मांगों पर विचार करते हुए उन्हें निर्णयों में पारित करती है। यानी मांग होती है, मांग पर जो व्यवस्था आती है, व्यवस्था में क्या होती है, मांगे आती है, उन मांगों पर वो निर्णय करते हैं। और ये निर्णय कितने चरणों में होता है, तीन चरणों में होता है। मांग आती है तो मांग में तीन चरण में होता है, पहले तो नियम निर्माण होता है, फिर नियम को क्रियान्वित किया जाता है मतलब लागू किया जाता है, फिर उस नियमों में निर्णय किए जाते हैं, अधिनिर्णय किए जाते हैं। अर्थात पहले नियम निर्माण करते हैं, फिर नियमों को लागू करते हैं, और लागू करने पर क्या परिणाम आया उसका अधिनिर्णय किया जाता है। तीसरा है व्यवस्था अनुरक्षण के कार्य, व्यवस्था अनुरक्षण के कार्य, हर राजनीतिक व्यवस्था में मांगों को पूरा न होने पर तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, बिल्कुल सही है। तो व्यवस्था का काम है व्यवस्था का अनुरक्षण करना, जब कोई मांग पूरी नहीं होती है तो तनाव बढ़ जाता है और इससे राजनीतिक व्यवस्था की रूपांतरण प्रक्रिया पर दबाव बढ़ जाता है। क्या है कि राजनीतिक व्यवस्था पर जब मांगे पूरी नहीं होती है तो लोग उपद्रव करते हैं, लोग क्या है कि अर्थात सड़क पर उतर जाते हैं, या वो तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो राजनीतिक व्यवस्था पर दबाव बन जाता है, और उस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, दबावों को कम करने के लिए एक काम है कि मांगों को नियंत्रित करना, अर्थात जो मांगे हैं उनको नियंत्रित करने का काम भी कौन करता है, राजनीतिक व्यवस्थाएं करती है। और मांगों को नियंत्रित करने के तीन माध्यम है, कौन कौन से, राजनीतिक दलों और हित समूह के आधार पर मांग को नियंत्रित किया जाता है, संचार माध्यमों के आधार पर, प्रेस, रेडियो, दूरदर्शन, कुछ मांगों के अनुचित्य और कुछ मांगों के तत्काल स्वीकार करने में कठिनाइयों का उल्लेख कर सकते हैं। यानी जो है राजनीतिक दल और हित समूह के आधार पर वो कर लेते हैं, एक तो दूसरी जैसे संचार माध्यमों से भी वो उनकी मांगों को नियंत्रित करते हैं, रेडियो से, दूरदर्शन से, कुछ ऐसी मांगे होती है जिनको वो ये लिख सकते हैं कि ये मांग तत्काल स्वीकार नहीं हो सकती, अर्थात वो उनको संतुष्ट करने का प्रयास करते हैं। तीसरी नियंत्रित करने का है विधायिका, कार्यपालिका और प्रशासकीय संगठनों द्वारा परिवर्तन प्रक्रिया के दौरान मांगों को नियंत्रित किया जा सकता है। विधायिका है, कार्यपालिका है जो राज्य के अंग है, और प्रशासकीय जो संगठन है वो क्या करते हैं कि उन मांगों को नियंत्रित करते हैं, अपने हिसाब से वो उनको टेकल करते हैं। राजनीतिक व्यवस्था का चौथा काम है व्यवस्था अनुकूलन के कार्य, इसका अर्थ यह है कि नागरिकों और विविध समूहों में व्यवस्था के अनुकूल विचारों और भावों को जन्म देना। व्यवस्था के अनुकूलन के अभाव में रूपांतरण प्रक्रिया में शिथिलता आ सकती है, जिससे समस्त प्रशासनिक प्रक्रिया की कार्यकुशलता कम हो जाती है। यानी व्यवस्था अनुकूलन का अर्थ है कि व्यवस्था के अनुकूल नहीं होते हैं तो वो क्या करते हैं, प्रक्रिया में शिथिलता देते हैं। अगर मान लो कहीं पर जिस कानून को बनाया गया है और उस कानून में अनुकूल नहीं आता है, अर्थात लोग उसके अनुकूल नहीं होते हैं, तो वो क्या है कि उसके पालना करने में शिथिलता आ जाती है। तो वो क्या है कि उसमें शिथिलता नहीं आने देना, ये प्रशासनिक प्रक्रिया की कार्यकुशलता को बनाए रखना, ये भी व्यवस्था का काम है। प्रश्न आ जाता है डेविड ईस्टन द्वारा प्रतिपादित व्यवस्था सिद्धांत क्या है। डेविड ईस्टन द्वारा, डेविड ईस्टन ईस्टन की एक किताब थी द पॉलिटिकल सिस्टम, जो 1953 में प्रकाशित हुई थी। कब हुई थी, 1953 में। तो उसने क्या है कि राजनीति विज्ञान में एक सामान्य व्यवस्था सिद्धांत का निर्माण किया था, और सामान्य व्यवस्था सिद्धांत का निर्माण है तो उसके उसने तीन चार घटक बताए हैं। ईस्टन द्वारा व्यवस्था सिद्धांत के जो घटक है वो यह है, पहला है निवेश का काम। ये देखिए डेविड ईस्टन, ये पिछले साल भी आया था कि यानी व्यवस्था सिद्धांत के अंतर्गत डेविड ईस्टन की व्यवस्था सिद्धांत में निवेश प्रकार ये क्या है। निवेश का मतलब होता है इनपुट, अर्थात हम इसको कह सकते हैं खर्च करना। निवेश से तात्पर्य है मांग और समर्थन से इनपुट देना।
प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था के सामने पर्यावरण से कुछ मांगे आती है, यूं कह सकते हैं समाज से कुछ आती है, और इन मांगों के पीछे मांग रखने वालों का समर्थन होता है। जैसे एक मांग आती है तो उस मांग को समर्थन करने वाले बहुत सारे लोग होते हैं जो राजनीतिक व्यवस्था में निर्णय लेने वालों का ध्यान उन मांगों की ओर आकर्षित करते हैं। वो क्या करते हैं कि भाई जैसे हमारी ये मांग है और हम लोग इतने लोग समर्थित हैं, तो इससे की ओर वो ध्यान आकर्षित करने के लिए भीड़ जुटाते हैं। और राजनीतिक व्यवस्था का अस्तित्व इस बात पर निर्भर करता है कि उसे जनता का कितना समर्थन प्राप्त है। अब वो मांग जो है, उस मांग पर उसकी बात से कितने लोग इसका समर्थन करते हैं, उसे जनता का कितना समर्थन प्राप्त है, और ये समर्थन उसकी मांगों की पूर्ति की क्षमता पर निर्भर करता है। उसने जनता ने जो मांग रखी है उनकी मांगों की उसने पूर्ति कितनी की है, उस पर ये समर्थन निर्भर करता है। और हमें ये समझने में सहायता करती है, मांगे जो है हमारे लिए ये समझने में सहायता करती है कि किस तरह पर्यावरण संपूर्ण राजनीतिक व्यवस्था पर अपना प्रभाव डालता है, क्योंकि मांगों का जन्म जो होता है वो सामाजिक पर्यावरण में होता है या समाज में होता है। तो फिर मांगों की वैधता, व्यवस्था की क्षमता, स्थायित्व को समझने में समर्थन सहायता करता है। जैसे मांग है तो वैध है कि नहीं है, व्यवस्था की क्षमता है कि नहीं है, उसमें स्थायित्व कितना है, ये सब जो है हमें समझने में क्या करता है, समर्थन में सहायता करता है। दूसरा बात है मांगे। मांगे मतलब डिमांड। मांग क्या है? एक मन की अभिव्यक्ति, अर्थात एक व्यक्ति जो है अपने मन में क्या सोचता है, सोच करके वो अभिव्यक्त करता है, बताता है, जिसके द्वारा किसी वस्तु विशेष के प्राधिकारी आवंटन के लिए यानी अलोकेशन के लिए उन लोगों से जो इसको करने के लिए उत्तरदायी है कहा जाता है। यानी जैसे मान लो हम कह सकते हैं कि एक राजनेता आता है, तो राजनेता के सामने बहुत सारे लोग हैं, वो अपनी मांगे रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि वो ये लोग सोचते हैं कि ये हमारी मांगों को पूरा करने में समर्थ है और इनका दायित्व तो बनता है जनता का काम करना। ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? मांगे वो कई प्रकार की हो सकती है। मांगे देखिए दो प्रकार की मान सकते हैं, तीन की मान, संकीर्ण, विशिष्ट और सामान्य। तीन प्रकार की मांगे बताई गई, संकीर्ण, विशिष्ट और सामान्य। मांग के रूप दो होते हैं, सुझाव और निर्देश। मांगे प्रकार की दो होती है, स्पष्ट और अस्पष्ट। कुछ मांगे स्पष्ट होती है, कुछ अस्पष्ट होती है। इसके अलावा डेविड एस्टन के द्वारा जो व्यवस्था सिद्धांत का निर्माण किया गया उसका तीसरा तत्व है समर्थन, जिसको सपोर्ट कहते हैं। राजनीतिक व्यवस्था कुछ कार्य करती है, कार्य करने के लिए समर्थन का बहुत आवश्यक है। अगर जनता का समर्थन नहीं है तो वो काम अपूर्ण हो जाता है, काम आगे चलता ही नहीं। समर्थन एक महत्वपूर्ण निवेश है, यानी एक ऐसा निवेश है जिसके होने या न होने से महत्वपूर्ण परिणाम निकलते हैं। अगर समर्थन है तो अच्छा परिणाम निकलता है, समर्थन नहीं है तो बुरा परिणाम निकलता है। बिना समर्थन के मांगों का कोई औचित्य नहीं होता है। समर्थन, अगर मांग को समर्थन नहीं है, एक आदमी अकेला जाकर के अपनी एप्लीकेशन देता है, या जैसे मान लो 50 आदमी एक साथ मिलकर के एप्लीकेशन देते हैं, तो प्रभाव किसका होगा? जो 50 है उनका होगा। तो समर्थन होना जरूरी है। यह एक ऐसा बल है जो अधिकारियों का ध्यान मांगों की ओर आकर्षित करता है। समर्थन एक ऐसी कड़ी है जो राजनीतिक व्यवस्था को पर्यावरण से जोड़ती है, और बिना समर्थन के शासन में स्थिरता नहीं आती। अगर शासन को जनता का समर्थन नहीं है तो वो शासन स्थिर नहीं होता। सामाजिक एकता को बनाए रखने के लिए भी समर्थन आवश्यक है। समाज में अगर एकता बनाए रखना है तो भी हमें समर्थन प्राप्त करना है, समर्थन यानी सपोर्ट। जब तक हमें लोगों का सपोर्ट नहीं है तब तक जो है हम किसी तरह से स्थायी नहीं है। चौथा इसका जो तत्व है वो है निर्गत या प्रकारी, आउटपुट। हमने इनपुट दिया, मांग रखी, उसका आउटपुट हमें क्या मिला? निर्गत वे उत्पादित वस्तुएं हैं जो निवेश के रूपांतरण के बाद प्राप्त होती है। यानी हमने जो इनपुट दिया, निवेश किया, उससे हमें क्या मिला? राजनीतिक व्यवस्था के विभिन्न प्रकार के निवेशों पर निर्णय लेती है। राजनीतिक व्यवस्था क्या करती है? जितने भी जो इनपुट आते हैं उन इनपुट पर निर्णय लेती है, और जिससे वो इनपुट पर निर्णय लेकर के फिर वो आउटपुट देती है, और वो आउटपुट जो होता है वो जनता देखती है कि हमारे द्वारा जो इनपुट किया गया था, हमारी जो मांगे थी, उन मांगों में हमें क्या मिला है। और निर्गत व्यक्तियों द्वारा रखी गई मांगों पर राजनीतिक व्यवस्था का एक निर्णय होता है। इनमें से छोटे छोटे पर पूछा जा सकता है, जैसे पुनर्निवेशन क्या है, जिसको हम फीडबैक कह सकते हैं। जैसे मान लो कोई काम किया और काम करने के बाद कितने लोगों ने फीडबैक की, अर्थात प्रतिपुष्टि कितने की। निर्गत का उद्देश्य सदस्यों की आवश्यकताओं को पूरा करना होता है, बिल्कुल ठीक है। व्यवस्था के निर्गत से सदस्यों की आवश्यकताएं पूरी हुई या नहीं हुई, जनता की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है,
इस संबंध में जो सूचनाएं अधिकारियों के पास आती है उसको पुनर्निवेशन कहते हैं। फीडबैक का अर्थ है कि हमने जो कानून बनाया, हमने जो व्यवस्था लागू की, उस व्यवस्था से जनता का कितना समर्थन हुआ। ठीक है, समर्थन के बाद जब सर्वे किया जाता है उसकी जनता की प्रतिक्रियाएं क्या आई है? और वो प्रतिक्रियाएं अधिकारियों के पास जो आती है उसी को पुनर्निवेशन कहा जाता है, उसी को फीडबैक कहते हैं। और राजनीतिक व्यवस्था के भीतर संपादित होने वाले सभी कार्यों में महत्वपूर्ण कार्य पुनर्निवेशन चक्र होता है, फीडबैक लूप जिसको कहा जाता है, क्योंकि इसके द्वारा संपादित कार्यों की प्रक्रिया से राजनीतिक कार्यों का चक्र संचालित होता है। यानी हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे मान लो कोई काम किया, काम करने के बाद लोगों की कितनी प्रतिक्रियाएं आई, अर्थात अच्छी भी आती है उसके विपरीत भी आती है। अगर अच्छों का जैसे मान लो एक काम या एक कानून बनाया या एक योजना शुरू की जिसमें 75% लोगों ने समर्थन किया है, फीडबैक अच्छा दिया है, 25 ने नहीं दिया है, तो भी उसको अच्छा माना जाएगा क्योंकि 75 है। यदि यही आंकड़ा इधर 75 में आ जाता है तो फिर वो क्या है कि फ्लॉप होने के चांस रहते हैं। इसके अलावा है पर्यावरण। पर्यावरण देखिए, राजनीतिक व्यवस्था संपूर्ण राजनीतिक व्यवस्था में एक अन्य उप व्यवस्था जैसे आर्थिक धार्मिक की तरह एक उप व्यवस्था की भूमिका भी अदा करती है। यानी पर्यावरण से आंशिक रूप से उसकी सहयोगिनी उप व्यवस्थाओं का बोध होता है। पर्यावरण का अर्थ है कि संसर्ग कह सकते हैं हम, एनवायरमेंट देना, सामाजिक पर्यावरण जिसको इंटर सोशल एनवायरमेंट भी कहते हैं, व्यवस्थाओं का बोध यानी जिन्हें आंतरिक पर्यावरण या सामाजिक पर्यावरण भी कहते हैं। आंतरिक सामाजिक पर्यावरण को देखने से यह स्पष्ट होता है कि राजनीतिक व्यवस्था वातावरण जैविक तत्व और समाज की पद्धतियों द्वारा प्रभावित है कि नहीं है। यानी पर्यावरण का अर्थ है कि जो कानून या जो व्यवस्था लागू की गई है वह व्यवस्था जैविक तत्व समाज की पद्धतियों द्वारा किस तरह प्रभावित है, किस तरह वो वातावरण के अनुकूल है कि नहीं है, ये सब कुछ देखा जाता है। राजनीतिक व्यवस्था वाला टॉपिक मैं समझता हूं कि आज के अच्छे से आपके समझ में आ गया है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।